कार्यक्रम को बारीकी से समझा और इस दौरान विवेक तिवारी हत्याकांड की एकमात्र चश्मदीद सना के साथ एसआईटी के हेड आईजी सुजीत पांडे, एसपी क्राइम दिनेश सिंह और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद रहे। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से वो पूरा घटनाक्रम रहा होगा, क्योंकि रिक्रिएशन किया गया है उसी सीन का। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चश्मदीद को भी यहाँ पर साथ में लाया गया है। विवेक तिवारी हत्याकांड का यह पूरा मामला है। लखनऊ से तस्वीरें हम बेहद महत्वपूर्ण इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीन रिक्रिएशन के लिए ब्लैक कलर की एक्सयूवी लाई गई है और उसी तरीके से पूरी घटना का रिक्रिएशन किया जा रहा है कि आखिर अगर ये घटना उस वक्त हुई तो क्या इस तरीके से हुई। चश्मदीद जो गवाह वहां पर हैं, सना, वो भी उस वक्त यहां पर मौजूद है। एसपी क्राइम फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम यहां पर इस वक्त मौजूद है। सीन ऑफ क्राइम के जरिए घटनाक्रम की जांच हो रही है। ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर ये पूरा हत्याकांड हुआ था और उसी स्थल पर फिलहाल रिक्रिएशन किया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड का। ये देखिए, ब्लैक कलर की एक्सयूवी गाड़ी यहां पर लाई गई है। दूरी नापी जा रही है कि आखिर कितनी दूरी से गोली चली थी। आईओ थे, हम सभी थे यहां पर जो टीम है, और हमारी कोशिश थी कि हम जो चश्मदीद गवाह थी उस पूरे इंसिडेंट की, उनको और जो वादी हैं दोनों, उनको लेकर और तब इस सीन को रिक्रिएट करें। इसीलिए हमने एग्जैक्टली उसी तरह की गाड़ी मंगाई, उसी तरह की मोटरसाइकिल मंगाई। कोशिश यह थी कि लगभग उसी हाइट के कांस्टेबल्स भी रहें, जो मार्क समय दिखे हुए थे उस चीज़ को हमने ध्यान में रखा हुआ था, और इसके बाद ही उनसे पूछताछ हुई थी। द एंटायर फोरेंसिक्स टीम, द एंटायर बैलिस्टिक्स टीम, दे हैव नोटेड जो जो उनको नोट करना था। अब हम इसको एनालाइज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कोलेट करते हैं, एंड देन सभी चीज़ों को हम हर पहलू को देखते हैं। यह एक पहलू है, रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। बट आप जानते हैं कि इसके पहले भी हुआ है। अभी जब हमने उस दिन फॉरेंसिक्स की टीम के साथ पूरा एग्जामिन किया था, दो बार कर चुके हैं, तो वी विल हैव टू गो बैक, सिट, अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, पूरी घटना कैसे हुई है, क्यों इसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद स्टेटमेंट्स विल फॉलो, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी टेकन। इन सबको करने के बाद फिर किसी कंक्लूजन पर आएंगे। थैंक। विवेक तिवारी हत्याकांड में एसआईटी की टीम पर थे, आईओ थे, हम सभी थे यहां पर जो टीम है, और हमारी कोशिश थी कि हम जो चश्मदीद गवाह थी उस पूरे इंसिडेंट की, उनको और जो वादी हैं दोनों, उनको लेकर और तब इस सीन को रिक्रिएट करें। इसीलिए हमने एग्जैक्टली उसी तरह की गाड़ी मंगाई, उसी तरह की मोटरसाइकिल मंगाई। कोशिश यह थी कि लगभग उसी हाइट के कांस्टेबल्स भी रहें, जो मार्क समय दिखे हुए थे उस चीज़ को हमने ध्यान में रखा हुआ था, और इसके बाद ही उनसे पूछताछ हुई थी। द एंटायर फोरेंसिक्स टीम, द एंटायर बैलिस्टिक्स टीम, दे हैव नोटेड जो जो उनको नोट करना था। अब हम इसको एनालाइज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कोलेट करते हैं, एंड देन सभी चीज़ों को हम हर पहलू को देखते हैं। यह एक पहलू है, रिक्रिएशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। बट आप जानते हैं कि इसके पहले भी हुआ है। अभी जब हमने उस दिन फॉरेंसिक्स की टीम के साथ पूरा एग्जामिन किया था, दो बार कर चुके हैं, तो वी विल हैव टू गो बैक, सिट, अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है, पूरी घटना कैसे हुई है, क्यों इसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद स्टेटमेंट्स विल फॉलो, अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी टेकन। इन सबको करने के बाद फिर किसी कंक्लूजन पर आएंगे। संवाददाता अनूप इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, उसी तरह जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ, रिक्रिएशन किया गया है, रिक्रिएट किया गया उस पूरे सीन को, क्या कुछ निकलकर सामने आया इस पूरे रिक्रिएशन में? देखिए लक्ष्मी, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल जो है एसआईटी की टीम जो है कल ही जो है मौकाए वारदात पे पहुंची थी, पूरे सी और वहाँ से उनके साथ जो है फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट हैं और बैलिस्टिक जो एक्सपर्ट थे वो भी साथ में थे, और मौके से जो है तमाम जो मिट्टी के कण हैं, इसके अलावा जो गाड़ी के जो तमाम जो टूटे हिस्से थे, कांच की बात करें या और भी तमाम चीज़ें हैं, उसको जो है कलेक्ट किया गया था, और उसको जो है जाँच के लिए जो है टीम अपने साथ लेके गई थी।
उसके बाद जो है आज जो है पूरे सीन का जो है क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया है। मौके पे जो मुख्य चश्मदीद है सना, जो मृतक विवेक तिवारी के साथ उस वक्त मौजूद थी, उसको लेके गई है टीम। इसके अलावा जो मृतक है उसके उसकी जो पत्नी है कल्पना तिवारी, उसके जो परिवार के लोग हैं उनको भी वहाँ पे लाया गया है। और सबके बीच जो है पूरे सीन का जो है क्राइम यानी रिक्रिएशन किया गया है। और ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिर क्या सिचुएशन रही होगी जिस दौरान जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, किस तरह से जो है एक्सयूवी से विवेक तिवारी मौके पे पहुंचे थे और वहाँ पे किस जब बाइक से जो है पुलिसकर्मी पहुँचे हैं, उसके बाद कैसे जो है बाइक लड़ी है, वो पूरा घटनाक्रम हुआ है जब जिसके बाद जो है पुलिसकर्मियों ने विवेक तिवारी को गोली मार के मौत के घाट उतारा है। वहाँ पे मौके से ही जो है सना के भी बयान दर्ज किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि बंद कमरे में ही आज जो है एसआईटी ने सना के बयान दर्ज किए हैं, उसमें भी तमाम चीज़ें जो है एसआईटी ने जो है अपने साथ जो है बयान के आधार पर लेके गई है। अब पूरा जो दायरा है जांच का एसआईटी का वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एसआईटी की टीम है लगातार उस पर सवाल उठ रहे थे कि एसआईटी जो है अभी तक लापरवाही कर रही है और पूरे अपने काम को जो है बाखूबी नहीं निभा रही है। इसके बाद जो है अब एसआईटी ने जो तेजी पकड़ी है और लगातार जो जांच का जो दायरा है वो अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। और जैसा कि एसआईटी हेड है उनका साफ कहना है कि इसमें हमने जो है फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट हैं, बैलिस्टिक एक्सपर्ट हैं, उनको शामिल किया है और आज जो है तमाम चीज़ें जो है साज्य के रूप में अपने साथ वो कलेक्ट करके ले गए हैं। अब उन पहलुओं पे वो जांच करेंगे और बारीकी से देखा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, ताकि ये समझा जा सके कि विवेक तिवारी मर्डर जो मिस्ट्री है आखिर वो कैसे सामने आई है, किस तरह जो है पुलिसकर्मियों ने उसके मौत के घाट उतारा और वजह क्या थी। क्योंकि जैसा कि सामने आ रहा है कि जब विवेक तिवारी अपने मित्र के महिला मित्र के साथ जो एक्सयूवी से मौके पर पहुंचे थे, वहां पे अचानक से जो है दो सिपाही जो है गाड़ी से पहुंचते हैं, उसके बाद वहां पे गाली गलौज करते हैं, गाड़ी रुकने का इशारा करते हैं। जब मृतक को लगता है कि वो जो है सही मौका नहीं है, क्योंकि रात का 1:30 बजे का वक्त था, तो जैसे ही जो रुकने का इशारा किया जाता है, लेकिन जब मृतक अपनी गाड़ी बढ़ाता है तो पिछला जो हिस्सा है वो बाइक के ऊपर चढ़ता है। इस दौरान जो है जो आक्रोशित जो गुस्से में सिपाही थे उन्होंने सीधे जो है गोली दागी है जिससे उसकी मौत हुई थी। अब तमाम ऐसे पहलू हैं, क्योंकि पीएम रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें ये साफ हो गया है कि गोली जो है वो सीधे जो है फ्रंट से चलाई गई थी और गले में घुसती हुई पिछले हिस्से में फंस गई थी। बिल्कुल, हालांकि कई सारे पहलू जो है क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अब समझना ये है कि जो रिक्रिएट सीन किया गया इसके बाद क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि विवेक तिवारी हत्याकांड में लगातार तस्वीरें अलग साफ होती नजर आ रही है। तहसीलदार, सदर, एडीएम, टीजी पहुंचे हैं विवेक के घर। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 40 लाख का चेक लेकर पहुंचे हैं विवेक तिवारी के घर पर। कल्पना तिवारी को 25 लाख का चेक दिया गया है, प्रियांशी तिवारी को 5 लाख का, दिव्यांशी तिवारी को भी 5 लाख का चेक दिया गया है, विवेक तिवारी की मां को भी 5 लाख का चेक मिला है। सरकार की ओर से परिवार को ये मुआवजे की जो राशि है वो दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, कल्पना तिवारी को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, उनकी मां को 5 लाख का मुआवजा दिया गया है और दोनों बेटियां जो विवेक तिवारी की जो दो बेटियां हैं उनको भी 5-5 लाख रुपए का मुआवजा है। 40 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत किया गया है, जिसमें 25 लाख रुपया कल्पना तिवारी जी के लिए है, 5 लाख रुपया उनकी बड़ी बेटी प्रियांशी के नाम से है, 5 लाख रुपये छोटी बेटी दिव्यांशी के नाम से है। चूँकि दिव्यांशी माइनर है इसलिए उसका 5 लाख रुपया कल्पना तिवारी जी के अकाउंट में ही दे दिया गया है और 5 लाख रुपया उनकी माता जी अरुणिमा तिवारी हैं उनके लिए दिया गया है। इसके लिए कहा है नौकरी के लिए माननीय नगर आयुक्त साहब के यहाँ से पत्रावली बन रही है, वो आगे शासन निर्णय कर करके जैसा भी होगा तो उसके हिसाब से।